SC/ST वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण न दिए जाने के एवज में उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सभी संगठनों के द्वारा हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर वहां कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड सरकार SC/ST वर्ग के संवैधानिक हितों के घोर विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार को समाज के कमजोर वर्ग के हितों की परवाह नहीं है। इस मौके पर SWO के संयोजक मुकेश बौद्ध ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में SWO के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के 15 विधायक नैतिकता के आधार पर समाज हित में अपना इस्तीफा दें और अपनी ताकत को पहचानते हुए समाज हित में कार्य करें। मैं मनीष कुमार गौतम, भीम फोर्स का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज इस उत्तराखंड से और उत्तराखंड में जिला नैनीताल हल्द्वानी से अपनी बात को रख रहा हूँ। जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मेरे द्वारा जो जानकारी आई है कि भीम फोर्स के राष्ट्र से लेकर बूथ के पदाधिकारी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। आज तो शुरुआत है, अगर ये आरक्षण वापस नहीं लिया गया तो भीम फोर्स के सारे पदाधिकारी सड़कों पर उतरेंगे और इस आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाने का काम करेंगे। आज देखा सरकार ने जो पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया और सारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति साथ में OBC के साथियों ने यहाँ पर मिल करके जो है ये त्रिवेंद्र रावत सरकार का उत्तराखंड सरकार का पुतला जलाया। साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अधिकतर BJP और कांग्रेस की सरकारें रही हैं और दोनों ने मिल करके अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को ख़त्म करने का जो काम किया है 2012 में सबसे पहली बार पदोन्नति में आरक्षण के लिए सरकार कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट जाती है, उसके बाद अभी BJP की सरकार है, अर्थात ये दोनों सरकार ये दोधारी तलवार लोग हैं। अगर हम इधर को चुनते हैं तो उससे भी हमारा ही हाथ कटता है, अगर हम दूसरी ओर छूते हैं तो उससे भी हमारा ही हाथ कटता है। इसलिए मेरा समाज के लोगों से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि समाज के लोगों को एकजुट होने का समय आ गया है। अगर अभी आप लोग एकजुट नहीं होते हैं तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। आने वाले बच्चे, जिन बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे, लिखा लें, वही बच्चे इनके यहाँ लेबर दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करेंगे और उनको दिहाड़ी मिलने वाली नहीं है। इस बात को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC के लोगों से बोल देना चाहता हूँ कि ये सरकार मनुवादी ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें इस जो है भारतवर्ष में लागू करना चाहती हैं और ये भारत के संविधान को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया उसको नहीं मानती है। ये सरकार मनुवादी मनुस्मृति को मानती है और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि समाज के अंतिम छोर तक हमें जाने की आवश्यकता है। लोगों को पता नहीं कि रिजर्वेशन क्या है, आज हमारे गांव के गरीब लोगों को यह पता नहीं कि रिजर्वेशन क्या है, उन लोगों को बताने की हम लोगों को आवश्यकता है। ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भी अनुसूचित जाति जनजाति की जो लड़ाई है वह सड़क पर आ चुकी है। यहाँ पर तमाम जितने भी संगठन थे आज सरकार का पुतला फूंका गया है, क्योंकि बार बार हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। एक बार सरकार का नारा होता है सबका साथ सबका विकास, पर यह नारा हमारे पास उल्टा आ रहा है। यह नारा सबका साथ, दलितों का विनाश, दबे कुचलों का विनाश, शोषित समाज का विनाश, ये कौन सी नीति है? इसलिए हम यहाँ पर सरकार से आगाह करना चाहते हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को छीनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो तमाम जनता है अब उस सड़क पर उतरने का मन बना चुकी है, क्योंकि लोगों के द्वारा कल होली खेली गई, यह एक बड़ा शर्मनाक घटना है।
और प्रदेश के सबसे बड़े संगठन के जो सबसे बड़े लीडर हैं उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी बातों को कहा गया जो जिसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन आने वाले समय पर किया जाएगा। और जो लड़ाई लड़ी जा रही है सभी लोग एकजुट हैं और कल फेडरेशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे देहरादून पे है, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वह सभी को मान्य होगा और जितने भी वाल्मीकि समाज हैं हमारे वो लोग सभी लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। कल 18 तारीख हमारा जो प्रमोशन महाराष्ट्र जो समाप्त किया गया वो काला धन के ये काला दिवस के रूप में हमने आज ये मनाया। और जो आज हमारे सभी समाज के लोग SC के वर्ग ST के लोग आए हैं जो सड़क में उतरने के लिए आ रहे हैं, ये जो सरकार की सोची समझी साजिश है और इनके द्वारा एक बनाया हुआ जाल है जिसके आधार पर दीपक जोशी द्वारा एक हमारे अपमानजनक समाज के लिए जो अपशब्द का प्रयोग किया गया और उसी साजिश के तहत आज सरकार ने जो इसमें हमारा आरक्षण समाप्त करा उसमें हम विरोध में आए हुए हैं। बुद्ध पार्क में धरना है, उनका पुतला जलाया है, इसी के साथ हम सारे सभा एक साथ होकर के आगे लड़ाई और लेनी है। इन्हीं शब्दों का समाप्त।